अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान नदीम और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साद रिज़वी साहब, आइए इनसे पूछते हैं। आज ये तहसील बलोच में और पुंछ डीएम में आज इनका पहली दफ़ा दाखिला हुआ है, इनसे पूछते हैं कि अहलियान बलोच और अहलियान पुंछ की तरफ से इनका कैसा इस्तकबाल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कश्मीर में तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के साथियों समेत पहुँचे और जिस मोहब्बत से अहलियान पुंछ और अहलियान बलोच ने इस्तकबाल किया और जिन हसरत भरी निगाहों से वो तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के कायदीन और कारकुनान को देख रहे हैं, इससे मालूम होता है कि कश्मीर की आवाम अब सबसे मायूस हो चुकी है। उनके नुक्ता नज़र और मरकजी निगाह सिर्फ तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह पे है, जो उनके हर एक मामलात और हर एक उम्मीदों पर पूरा उतर सकती है। सर, अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि आगे जो आइंदा इलेक्शन है यहाँ पर, टीएलपी को आप कहाँ पर देख रहे हैं, जो कि बलोच में बहुत बड़े बड़े जिनको आप सियासी बुर्ज कह सकते हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, तो टीएलपी चूंकि पहली दफ़ा इलेक्शन में उतर रही है, तो टीएलपी की क्या स्ट्रेटजी होगी इलेक्शन में, इन इलेक्शन में? टीएलपी इंशाल्लाह हैरान कुन नतायज देगी इलेक्शन में, और उसके लिए तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह का आज आपने कारकुनान की तरफ से इस्तकबाल भी देख लिया और जो रिस्पॉन्स उन्होंने दिया, इसका मतलब तो है कि तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह अभी तो तनह तनहा मैदान में, अभी हम इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं आए, अभी हम चेक करने के लिए आए कि कश्मीर वाले तहरीक के साथ किस तरह है। तो आज तो रेफरेंडम हो गया।